तुम एक दिन का एक दिन का तुम गाओ देख लास्ट में गाएगा निकाल के रख। जय राधे जय राधे राधे इसको ले जाओ इसको ले जाओ। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे जय Oh, yeah.
जनार्दन कुछ हुआ था उनको तो माइक दे आ जाओ। हाँ काली कौन तुम प्रतिदिन काली खेल तुम काली कहते आशीला। हाँ बोलो ना? हाँ हाँ को गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि श्री रूप दुर्गत जननी दयालोके हे भट्ट जुग्म समते रघुनाथ दास जीव में गुरु तमंदवती दयांगरा कृष्ण लीला भागवत कहे वेद अभ्यास चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जामर श्रवणे नाथ सर्व अमंगल चैतन्य निताय जत जानिए महिमा जत जानि कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसिमा मनुष्य रचित नारि अच्छ ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे भक्ता श्री चैतन्य कृष्ण दास कविराज रसिक भक्त माज जेहु कैल चैतन्य चरित
और गोविंद विलास सुनित गलै सिला ताहते नहिल मोर चित। जय श्री कृष्ण चैतन्य दया प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि श्री गौर भक्त वृंद सर्वाग्रे अभिनत गुरुपाद पद्म। जय श्री शंकर भक्ति वेदांत सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज का भाई चरणार विंद वासियों के प्रति तपन प्रणाम करते हूँ का ही देखते पाप प्रार्थना करता हूँ। उपरांत समस्त रूपांतर गौड़ीय परंपरा श्री चैतन्य भागवत वेदव्यास के अभिन्न स्वरूप श्री वृंदावन दास ठाकुर उपरांत कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत के प्रवर्तक इन दोनों के चरणों में हरि की कृपा प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को शुद्ध करते हुए श्रीमन महाप्रभु के चरण में भक्त स्पंदनजलि तथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार प्रदान करने की कृपा मांगता हूँ। एक प्रश्न है, आप सभी बड़ी ईमानदारी से उत्तर देना। 2008 में राधा कृष्ण को तत्वतः ये प्रेम ये भावनात्मक रूप में किसी ने जाना था कि ये राधा जी कौन है, कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं इनकी होती है और कैसे भगवान कृष्ण ही परम्परात्पर है तत्व जो है वो परात्पर तत्व है, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके नीचे दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सब पूरा अच्छे से कौन जानता था आप में से कोई? 2008 में कौन जानता था? कोई नहीं जानता। 10 में क्यों जानते थे प्रभु जी आप? क्यों? गुरु जी के कारण। ठीक है ना, ऐसे ही लगभग लोग आप लोग वृंदावन तो पहले कभी गए होंगे 2008 और पहले पहले तो गए होंगे ना, हैं कई बार गए थे, बाकी फेरी कौन कौन गए उससे पहले 2010 तभी जानते थे, बाकी फेरी जाते थे और बाकी फेरी में क्या करते थे वहां पे माथा टेके और वहां पे जो है थोड़ा मार्केटिंग करी। हाँ अच्छा, वहां पे जाने के बाद खाए बोटिंग की यमुना में और सीधा वापस घर ही आ गए, समझ रहे ना। अब जब जाते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाकर के पत्थरों में माथा रगड़ते हैं, कहाँ जाके यमुना को स्पर्श करने में भी संकोच करते हैं, चप्पल पहन के वहां नहीं जाना, पहले तो हम बोटिंग करते थे, अब क्यों कर रहे हैं? यही बात, इसको किसने दिया है? गुरुदेव ने, महाप्रभु की शक्ति को जना। तो महाप्रभु अगर नहीं आते तो को जान तो मथुरा वृंदावन, यही महाप्रभु की शक्ति है, महाप्रभु ने यही चीज को दिया है ताकि आज जो हम पहले दर्शन करते थे आज हमारे दर्शन करने के नजरिया बदल चुकी है, कारण महाप्रभु है। तो इसीलिए कहते हैं जब हम कृष्ण को, कोई व्यक्ति होता है जो कृष्ण को उपासना करता है, कोई ऐसे व्यक्ति है जो राधा जी को उपासना करते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो राधा कृष्ण को उपासना करते हैं, परंतु इन सब में जो श्रेष्ठ हैं, जो श्रीमन महाप्रभु की उपासना करते हैं, जो श्रीमन महाप्रभु की उपासना करते हैं वो राधा और कृष्ण की तत्वतम और रस अनुरूप उनकी सारी उपासनाएं करनी हो जाती है। इसलिए महाप्रभु इस जगत में आकर के राधा कृष्ण को हमें जनाया। पहले हम राधा कृष्ण को एक साधारण नायक नायिका के रूप में समझते थे, कोई जो संसार में जो एक स्त्री एक पुरुष है वो हमेशा ये दुआ मांगते थे कि हमारी जोड़ी राधा कृष्ण की जैसे हो, कहां तुम साधारण नायक नायिका हो और कहां इस प्रकार मूर्खता अपराध युक्त तो हमारी भावना भगवान के प्रति हुआ करता था। परंतु जो महाप्रभु के चरण में या फिर सदगुरु पदाश्रय करने के उपरांत जब हमारी भावना है वो भावना में भूमि आसमान का फर्क हो गया। कारण क्या है? कारण ये महाप्रभु ही उस राधा कृष्ण के तत्व को हमारे सामने दिया है, किसी सदगुरु के माध्यम से दिया है, किसी सद वैष्णव के माध्यम से हमें दिया, तभी तो समझ पाए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं जितनी अनन्यता से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या 20 साल पहले हम किसी अनन्यता से वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए गए होंगे? जो कृष्ण को आज हम दर्शन कर रहे हैं वो कृष्ण को 20 साल पहले दर्शन करते थे क्या? हम उसी प्रकार दर्शन करते थे, किंतु हुआ कैसे? हुआ ये कि महाप्रभु की जब हमने कथा सुना, जब हमने महाप्रभु के बारे में जाना, तब राधा कृष्ण अपने आप में नयन गोचर होने लगे, हमारे अपने आप में हृदय गोचर होने लग जाते हैं। यही कहते हैं कि यथा यथा परिमूर्जते सु मत पुण्य गाथा श्रवण विधानी तथा तथा पश्यन्ति
वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर देवांजन संप्रयुक्तम। इसलिए केवल इन कथाओं को सुनते सुनते ही महाप्रभु के बारे में यथा यथा परिवर्जित करना कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, केवल इन वाणियों को अपने कानों में धारण करो और धारण करके अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी हम क्या कर दे उसको अनुपालन करें, तब हमारे क्या होता है तथा तथा पसंदी वस्तु सूक्ष्म अपने आप में सब कुछ नैन गोचर हो जाएगा, सब कुछ हमें कोई भी चीज के हमें अभाव नहीं रहेगी। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि रघुबर भक्ति वाली छादित चित्त बिना प्रयास ही सूझे, करना कुछ नहीं पड़ेगा बिना प्रयास में सब कुछ हो जाएगा। कैसे रघुबर भक्ति वाली छादित चित्त बिना प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कहते थे विलास ने पूछत पूछत पूछे, केवल यही बैठ करके कथा सुनने मात्र से ही होगा। तो ये कथा सुनने की जो परिपाटी के ये महाप्रभु के समय आज सत संप्रदाय चार होते हुए भी इस संप्रदाय में विशेष विशेष रूप में ये हरि कथा के प्रति रुचि जीवों के प्रति क्यों है, यदि महाप्रभु नहीं आते हैं हाथ में करताली बजा करके कीर्तन कथा की परिपाटी ना दिखलाए होते तब आज हम भी यहाँ पे नहीं होते। ये महाप्रभु की देन है, इसी माध्यम से महाप्रभु राधा कृष्ण को हमें दिया है, इसी माध्यम से केवल एक ही माध्यम है कथा कीर्तन को, यज्ञ तप साध्य कोई अन्यत्र कोई भी साधन हमें नहीं दिया, केवल बैठो कथा सुनो और हाथ ताली बजा के गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कर तब आप राधा कृष्ण को समझ जाओगे। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, जब राधा कृष्ण को समझना ही है महाप्रभु की तरफ जाकर के राधा कृष्ण के पास पहुंचने की क्या जरूरत है, हम अगर जा रहे हैं हम हमेशा शॉर्टकट मारते हैं या हम लॉन्ग रूट पता होने के बावजूद भी हम लॉन्ग रूट कट करके फिर जाके वहीं पहुंचते हैं, हमेशा गली गली निकल करके और जैसे शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए हम ये चेष्टा करते हैं, कारण क्या है, कारण हम शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। लोगों की भ्रांत धारणा ये है अरे वो महाप्रभु वो तो उनका संप्रदाय है, महाप्रभु के चरण में जाकर के राधा कृष्ण के पास पहुंचने में तो ईश्वर पे जो और बढ़ गया ना, हम क्यों जाए। तो इसके उत्तर में कहते अरे नहीं ये कोई लॉन्ग कट नहीं है बल्कि यही शॉर्टकट है, महाप्रभु के चरण में जाने में अनायास ही राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। एक होता है हम भगवान के पास जाना, एक होता है भगवान हमारे पास आना। जब हम महाप्रभु के भक्तों के चरण के अनुराग में रागित हो जाए तब राधा कृष्ण पीछे पीछे चल करके जीव के प्रति प्राप्त वस्तु हो जाते हैं, कारण क्या है, कारण हमने महाप्रभु की शरण लिया है, महाप्रभु के भक्तों की शरण लिया है। इसीलिए ये सिद्धांत को महाप्रभु देते हैं, आते क्यों है, कारण क्या है, कहते जो दुर्लभ वस्तु को कभी किसी भी प्रकार में दिया नहीं गया है उस चीज को महाप्रभु देने के लिए आए हैं। भगवान आते हैं, कल गुरु जी बता रहे थे बहुत सारे कारण है, जब महाप्रभु आते हैं राम आते हैं उनके भी चार कारण है, कृष्ण आते हैं उनकी गर्भ संहिता में बहुत से कारण दिया गया है, वामन भगवान आते हैं तो अवतार जैसे आते हैं उनके कारण होते हैं क्योंकि भगवान हर किसी उसमें अवतार नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जो महाप्रभु है वो भी बड़ा दुर्लभ रूप में इस जगत में अवतार लेते हैं और ये दुर्लभता को हमें केवल प्रभुपाद जी ने और जो हमारे रूपानुग गुरु परंपरा ने हमें दिखाया। महाप्रभु आने का विशेष रूप में चार कारण है और वे चार कारण मुख्यतः दो कारण में विभाजित हुआ है, याद रखना पहला मुख्य कारण और दूसरा जो उसका जो सेकेंडरी कारण होता है गौण कारण। तो मुख्य कारण में भी जो दो कारण है, एक में मुख्य कारण मुख्य का गौण कारण यानी कि महाप्रभु क्यों आए वो मुख्य हो गया, अब उस मुख्य में भी दो चीज और उद्देश्य दो उद्देश्य और छिपा पड़ा है, उसको कहते हैं एक मुख्य और एक मुख्य गौण। अब दूसरी तरफ चले जाए एक मुख्य हो गया था दूसरा गौण है, अब उस गौण में यानी कि जो साधारण कारण में भी दो कारण और है उसमें भी एक मुख्य और एक गौण। अब जो साधारण कारण का जो मुख्य कारण है वो क्यों आए थे इसका क्या कारण है कि सुदस्य से महाप्रभु गौण के मुख्य बन करके जगत में आए, इसके उत्तर में कह रहे हैं कि अनर्पित चरिचरा ऐसे तपे हुए सोने की अंग कांति को धारण करके वो महाप्रभु मेरे हृदय में स्फुरित हो, जिन्होंने इस जगत में आने का उद्देश्य बतलाते हुए नरोत्तमदास ठाकुर कह रहे हैं कि संसार में कभी चिरकाल से जो ब्रज भक्ति दुर्लभ भक्ति को दिया नहीं गया था उस भक्ति को अनायास वितरित करने के लिए महाप्रभु जगत में
करुणा और निर्णय कलु इसी कलिकाल में ही केवल यही कलिकाल को चुनाव किया और महाप्रभु इसी कलिकाल में ही अवतार लिया है। तो इसमें प्रश्न होता है, दुर्लभ क्यों बताया गया ब्रज भक्ति को? जब पांडव ने भगवान कृष्ण के साथ, भगवान तो उनके साथ बहुत ही लीला किया है, बचपन से लेके अंत समय तक उनके साथ रहा, छोटे बड़े आपदा विपदा सुख में दुख में हर समय भगवान ने पांडव ने भगवान के साथ क्या किया रहा। परंतु जब अंतिम समय भगवान जा रहे थे तब इन्होंने देखा, जैसे कृष्ण तो हमें बहुत से समय दिया परंतु ऐसा अंतरंग समय नहीं दिया जो समय उन्होंने ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में आदि स्थानों में, ब्रज में जिन्होंने जिस प्रकार के गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, माता पिताओं के साथ उन्होंने जिस प्रकार रस में प्रभु ने लीला किया, वो लीला हमारे साथ तो नहीं करी तो हम तो ठग गए, हम तो बच्चे तो हो गए ना। तो इस भाव में भावित होने के लिए वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसा दुर्लभ ब्रज भक्ति प्रदान करो। आप लोग जानते होंगे, अगर समाज में जाओ आप कह दो कि अर्जुन भगवान के छोटे भक्त है, पता नहीं आपको लोग कितने बातें सुना देंगे। अगर आप जाकर के कह दो कि हनुमान जी छोटे भक्त हैं प्रभु जी, तो आपको पता नहीं कितने बातें सुना देंगे। परंतु यदि आप कहो गोपियों की बातें तो फिर भी आपको बड़ा सम्मान करें। क्यों? क्योंकि जब आप तुलनात्मक रूप में भक्तों की प्रतिपादन करते हैं तो लोग उसको समझते हैं। इसलिए गोपियों की श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि भगवान वहां पे जो लीला गोपियों के साथ किया है वो लीला किसी अन्य भक्तों के साथ नहीं किया, जिसको ब्रज भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति को देने के लिए महाप्रभु जगत में आते हैं। जिस भक्ति को पांडव लोग भी तरस करके पेड़ बनने के लिए तैयार है, जिस भक्ति को ब्रह्मा प्राप्त करने के लिए पत्थर बनने के लिए तैयार है, जिस भक्ति को शंकर जी पाने के लिए अपना रूप बदलाने के लिए तैयार है, जिस भक्ति को पाने के लिए जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी लोग आदि भी क्या करने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे दुर्लभ भक्ति को, ऐसे ब्रज भक्ति को, ऐसे राधा कृष्ण के प्रणय रस को, ऐसे यशोदा के कृष्ण के वात्सल्य के प्रेम रस को, सखाओं के प्रति उस सख्य रस को देने के लिए, समझाने के लिए महाप्रभु इस जगत में आते हैं, ये उनका गौण कारण है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न होता है कि फिर उन्होंने दिया कैसे, उसका साध्य साधन रहा कैसे? तो यहाँ पे उत्तर में कह रहे हैं कि जैसे महाप्रभु आए, अब देखो इसमें दो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ब्रज भक्ति में जो अन्य अन्य अवतार है वो ऐश्वर्य रस में है, ऐश्वर्य भाव में है, जैसे नारायण है वैकुंठ में। अब उनको जब स्तुति की जाती है हृदय में डर रहता है कि नारायण है, लक्ष्मी पद सम्मान करते हैं कि प्रभु को कहीं कष्ट ना हो जाए, कहीं मेरी मुद्रिका प्रभु के अंगुली में चुभ ना जाए, उनको कष्ट ना हो जाए, तो उनको डर लगता है। ऐसा नहीं कि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, होते हुए भी वो प्रेम इतने कम मात्रा में है, संभ्रमता गौरवता इतनी ज्यादा मात्रा में है कि भगवान को वो डरते हैं और भगवान के प्रति भगवत बुद्धि रखते हैं। जब कृष्ण वही विष्णु कृष्ण होकर ब्रज में रहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि इतने ऐश्वर्यमय नारायण होते हुए भी ब्रज की अंदर, उस ब्रज की धूल अनंत धूलों में एक धूल के अंदर इतनी शक्ति है। सोचो इसको, जो एक धूल के अंदर इतनी शक्ति है कि उसमें करोड़ों करोड़ों विष्णु लोगों की जो ऐश्वर्य है वो बड़े निकृष्ट रूप में छिप जाता है। इसमें हमारे बड़े गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ा कढ़ाई है, उस कढ़ाई में 50 लीटर दूध खोल रहा है और पूरा खोल रहा है, तो आप कड़ची चला रहे हो, अब इतने में होता क्या है कि एक तिनका उसमें गिर जाए, तो बीच बीच में क्या होता है, जब आप कढ़ाई में वो कड़ची चला रहे होते हैं तो वो तिनका एक समय के लिए ऊपर आपकी दृष्टिगोचर होता है, और जैसे आप उसको निकालने के लिए चलते हो वो एकदम से क्या हो जाता है, रंध्र तक नहीं चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार में ब्रज में इतनी ज्यादा परिमाण में दूध रूपी माधुर्य है कि उस माधुर्य के अंदर तिनका रूपी ऐश्वर्य रूपी प्रतिमान नहीं होता है। बीच बीच में भगवान अगर किसी प्रकार कोशिश भी करते कि मैं भगवान हूं थोड़ा दिखा दूं, एक समय क्या हुआ कि कृष्ण और सखाओं के साथ वृंदावन में लीला किया, और उस लीला में क्या होता है कि कृष्ण मध्यान्ह भोजन कर रहे हैं सखाओं के साथ। अब ठाकुर जी ने क्या हुआ कि अरे तो कृष्ण तुम जानते हो मैं भगवान, दूसरे दूसरे सखाओं ने बोले अच्छा कृष्ण अगर तुम कृष्ण भगवान हो तो तुम्हारे यहाँ क्या काम है, अरे ये जो लड्डू है पता नहीं हमारे तुम्हारे नारायण, तुम जब नारायण होते हो तो उसमें तो बहुत शुद्ध तरीके से बनाना होता है और बड़े विधि पूर्वक तुम्हें अर्पण करना होता है, उसमें कहीं भूल चुक हो गया तो तुम सुदर्शन चक्र तुम्हारे हाथ में रहता है,
पर हमारे जो ग्वालिनी माताएं हैं, पता नहीं ये कैसे कैसे अपवित्र पवित्र अवस्था में तुम्हारे लिए हमारे लिए रसोई बनाते हैं। तो खाली की जरूरत है भैया, चलो चलो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऐसा कहकर के कृष्ण को खदेड़ देते हैं। बाद में कृष्ण जब मिलने के लिए आते हैं और जब खेला करते हैं, केली करते हैं, उसमें जब कृष्ण उनके साथ मिलने के लिए आते हैं तो ये ब्रज ग्वाल बाल क्या कहते हैं, अरे भैया तू तो भगवान है, तेरा हमारे पास क्या काम है, चल चल तू परे को हो जा। अब उसको कहते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं तो भगवान हूँ पर मेरे को तो खिला दो दारी के, तेरे को जब भगवान बनना था तो तू फिर हमारे साथ ही क्यों रहने के लिए आया भाई। इसलिए भगवान वहां पे कोड़े में बैठ करके क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कोई भगवान रोता भी है? तो सारे ब्रजवासी चिढ़ाते हैं, अरे दोस्तों ऐसा भी भगवान ने देखा है जो रोता रोता हुआ भगवान, ये देख लो रोता हुआ भगवान। तो भगवान के वहां पे इतनी माधुर्य है, यहाँ पे भगवान रोने के लिए तैयार है, क्योंकि अपना के बड़ो माने के समाधीन यही रूपे अमितर भाई प्रेमाधीन। कहते हैं भगवान की जो ब्रज में भक्ति है ना वो हमेशा समान मेरे को मानेंगे, जो ब्रजवासी होंगे या तो वो मेरे को समान मानेंगे, कन्हैया बड़ा नहीं है, हो सकता है वो हमारा समान है, हमारे सखा है, या तो फिर हमसे छोटा है। समा अधीन, अब व्यक्ति अधीन कब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अधीन करेगा तो उसको तो बड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए बाबा भैया यहाँ पे क्या है, बड़े है, वो भी यहाँ पे या तो समान है या तो बड़े है, या तो जो सखा है या तो कृष्ण से बड़े या तो समान है, छोटे अगर होते भी हैं तो सखा भाई की तरह रहता है। तो इसी प्रकार सम और अधीन भाव से ब्रज में भक्ति की जाती है, परंतु ये भक्ति कोई दूसरे अवतारों में नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर भगवान कोशिश करके भी भगवान बता दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आपको पता होगा एक समय भगवान ने दावानल पान किया, ठाकुर जी दावानल को पान किया, एक अग्निदेव था जिसने पूरा सूखे पेड़ों में आग लगा दी और भयंकर दावानल के रूप में प्रत्यय होने लगा। तो सारे ग्वाल बाल सखाए ने बोले कि कन्हैया हमें बचा ले भाई, अब ये इतना बड़ा आपद हमारे सामने है तो इस आपद में कौन उद्धार करेगा हमारा। और क्योंकि सखाओं को ये पता था कि कन्हैया के अंदर कुछ ऐसा शक्ति है, कुछ ऐसा भाग जो शक्ति संचरित हो जाता है बीच बीच में, विष्णु की आवेश हो जाता है और ये कन्हैया हमें बहुत बड़े बड़े आपस से उद्धार कर देता है। तो प्रार्थना करने पर ठाकुर जी ने बोला कि भैया ठीक है अब तुम लोग आंखें बंद करो, क्योंकि पता है अगर मैं भगवत अपना दिखाऊंगा तो उल्टा वो मेरे को इधर खरी खोटी सुनाएंगे, इसलिए तुम लोग अपना आंखें बंद कर दो फिर मैं करता हूँ कुछ कोशिश। तो सारे जितने भी सखा थे वो सारे क्या कर दिया, अपने आंखों को बंद कर दिया और नीचे लेट गए। अब एक सखा उनके अंदर ऐसे थे जिन्होंने देखा उनका थोड़ा सा नजर टेढ़ा था, नजर टेढ़ा होने के कारण वो बंद हो गया, थोड़ी सी आंखें खुली रह गई। अब हुआ क्या, जब उस ठाकुर जी दावानल को पान कर रहे थे, पी रहे थे, अब वो नजर में पड़ गया। अब बताओ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़े जाए, अगर मान लो मैं यहाँ आग लग गया मैं उसको पी लिया, क्या करूंगा, या तो मैं माया भी हूंगा या तो मैं भगवान ऐसा ही है ना, तो इस प्रकार के भाव हो जाता ना। तो ठीक इसी प्रकार भाव होना चाहिए था ना ब्रज में, उस सफा को होना चाहिए था ना जिसने देख लिया था, परंतु उसने ऐसा नहीं देखा। और उसने क्या किया, तारीखे जब लेट हो जाता है हमें ग्वाल बाल चराने के लिए, जब हम तेरे को आवाज लगाते हैं तो क्या करता है, तो एकदम से कहता है भैया मेरे को गरम गरम दूध पिलाया, तो थोड़ा भूख मार मार के पी रहा हूँ, भैया क्यों मेरे को इतना परेशान करते हो, तेरे से थोड़े से गर्म दूध तेरे से ठंडा नहीं होता, इतना सौरा जंगल की आग को तो एक सेकंड में अकस्माती कैसे पार कर लिया भाई। तब ये बात को सोच करके सब क्या करते हैं, लाठी डंडा लेकर के कृष्ण के पीछे पड़ जाते हैं, अभी दिखाते हैं तेरे को, अभी दिखाते हैं। अब इसी को ही कहते हैं क्या, विस्तरम कथा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई झिझक झिझक नहीं है। भगवान को भगवान मान ही नहीं सकते, और भगवान मना भी लिया ब्रजवासी मानने के लिए तैयार नहीं, ब्रजवासी मान भी लिए भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार भावों भाव से ब्रज भाव है, यही भक्ति को महाप्रभु देने के लिए आए थे, इसी ब्रज भक्ति को और कौन दे सकता है, जो भक्ति जिस स्थान का जिस उपास्य वस्तु का है वही दे सकता है। देवा देवियों से बढ़कर शंकर जी, शंकर जी से बढ़कर भगवान की विष्णु तत्व, उससे बढ़कर के राम, उससे बढ़कर के द्वारका के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, ब्रज के कृष्ण, ब्रज के अंदर भी जो किशोर कृष्ण है वो सबसे बड़े हैं। अब उतने बड़े दुर्लभ भक्ति जो उससे ऊपर कोई और भक्ति नहीं हो सकता, जिसको पाने के बाद गोप कुमार को किसी भी प्रकार की और प्राप्ति की आशा नहीं, आकांक्षा नहीं रह गई थी, उस भक्ति को दे भी कौन सकता है जो उसे रस के आधार हो। तो वो ही रस की आधार इन मंजरियां हैं, और इन्हीं मंजरियों की
गोपी भाव को लेकर महाप्रभु जगत में आए, ऐसे उपास्य वस्तु की उपास्य तत्व भक्ति को हमें इन्हीं माध्यम से ही दिया गया। ये उनका मुख्य का कौन कारण है, मुख्य कारण है। और जो कारण है वो बताएंगे गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण और को सब सब कल बोलना ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे प्लस सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं, उसको पीछे हम लोग ने चार कारण सुन रहे थे। कितना कारण? चार। में जो साधारण जो कारण था, कहते दो उसमें साधारण कारण और दो उसका मुख्य कारण, और जो दो साधारण कारण में जो एक साधारण कारण क्या था, कौन बोलेगा बोलो। साधारण कारण में सबसे साधारण कारण क्या था बोलो बोलो क्या? हाँ इसलिए ठीक से सुनो, इसलिए कौन सा कारण था? इसलिए कलियुग नाम कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतत अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलियुग का जो युग धर्म है ये हरि नाम संकीर्तन, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, आकर के उन्होंने जगत में ये हरे कृष्ण महामंत्र को जगत में उन्होंने प्रचार किया है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो हरि नाम को तीन तरह से नाम को जप करते हैं। कितने तरह से? कैसे कैसे? एक मन मन में, और एक उतना दूर तक और जो कान तक को सुनाई पड़े, और तीसरा नंबर हाँ जोर करके। और सबसे ज्यादा लाभ किस में है, किस लिए? हाँ इसमें अपना का भी कल्याण होता है और जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। कितना गुण ज्यादा लाभ होता है? 100 गुण ज्यादा है। जो मन मन में हरि नाम करेंगे जितना लाभ उनको, जो उच्चे स्वर से करेंगे उनको 100 गुण ज्यादा लाभ है। क्योंकि जब उच्चे स्वर संकीर्तन परो उपकार करें उसमें दूसरा का भी कल्याण होता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लता पता कहते उन वो तो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, उनको कानों में जो पड़ता है उनका भी कल्याण होता है। इसका उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है,
एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, किस उसमें बड़े कौन, बड़ा कौन होगा? जो परिवार को खिलाता है बड़ा कहते। उसी तरह जो अपना मन मन में करता है वो तो अपना कल्याण करता है, लेकिन जो उच्च स्वर से करता है वो सबका कल्याण करता है, इसलिए उनको ज़्यादा लाभ। इतना बात तो समझ में आ गई, आगे कि नहीं? हाँ, बोल सकते हो इतना बात को? हाँ। दूसरी बात कहती, ये नाम को कहाँ से ग्रहण करनी चाहिए? बोले ये नाम अपनी आप नहीं करनी चाहिए, ये नाम को सदगुरु से ग्रहण करनी चाहिए। ये नाम को सदगुरु से, बोले कैसे? उसका नियम बताए, उत्तर दिशा का तरफ में मुंह करके अपना डाहन कानों से गुरु जी से ये नाम को ग्रहण करनी चाहिए। अभी कहते हैं क्यों, क्या अपने आप हम नहीं कर सकते हैं? हम अपने आप का नाम कर सकते हैं, लेकिन वो गुरु जी से हम क्यों नाम ग्रहण करें? क्या किस लिए बताओ? ये नाम को गुरु जी से क्यों ग्रहण करें, अपने आप क्यों नहीं जप करें? इसका क्या कारण? पहले आप लोग ने क्या सुने हो, किसको थोड़ी याद है? बोलो बोलो। हाँ, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया है, जैसे श्री जीव गोस्वामी क्या उदाहरण देते हैं बोलो। हाँ बोलो, सब भूल। हाँ, इसलिए इस सब चीज़ को याद रखनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष से डायरेक्ट अगर बीज को लेकर के बोओगे वो फल को पेड़ नहीं होगा है। कहते ऐसे कौन सा वृक्ष है? कहते से अस्वस्थ वृक्ष, पीपल पेड़ और बरगद का पेड़। इसलिए आप कभी भी ये दोनों पेड़ को नीचे कभी भी आप नहीं देखोगे हैं, कभी उसको पेड़ को नीचे कभी बरगद और पीपल का पेड़ नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? कहीं छत के ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे हैं। इसलिए बोले ऐसे क्यों? कहते वो वृक्ष होने का एक नियम है, अगर वो फल को कोई चिड़िया खा ले और वो फल का बीज चिड़िया की पेट में जाए और चिड़िया की पेट में ऐसे कुछ रस है, जब वो बीज उसको साथ में जुड़ता है उसको विशेष शक्ति मिलता है, हैं विशेष शक्ति मिलती है। इसलिए कहते एक पेड़ होने के लिए तीन चीज़ चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तभी कोई वृक्ष होगा। लेकिन अब देखना ये पीपल पेड़ और बदगत छत के ऊपर हो जाता है, वहाँ मिट्टी मिट्टी कुछ है नहीं, पानी पानी कुछ है नहीं, और ऐसे होता है आप देखना छत को फाड़ देता है, कभी कभी इतना पेड़ को आप तोड़ दो देखना फिर दोबारा पेड़ हो जाता है, अरे कभी कभी इतने जोर जबरदस्त बनता है छत को फाड़ दे, देखे कि नहीं कहीं छत के ऊपर में इतने ताकत है। इसलिए कहते उसी तरह कहते हमारे हृदय निराश होने पर भी, हमारे हृदय निराश होने पर भी, लेकिन जब संतों का से हरिनाम लेते हैं, जैसे वाल्मीकि दशरथ नगर था ना, जब नारद जी ने बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, क्यों? पाप की था ना, लेकिन तू बोलता था हाँ मारो मारो, बोले हाँ मरा मरा तो कर सकते हो, बोले हाँ मरा मरा तो कर सकते हो। देखो संतों की वाणी में कितने शक्ति है, हैं? जो राम का नाम तक भी नहीं ले सकता था, लेकिन उसने मरा मरा करते 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 राम राम हो गया और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, हर नाम ले तब सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मनवाही। इसलिए प्रभु का नाम में इतने शक्ति, इसलिए जब हम किसी संतों से ये हरिनाम को ग्रहण करते हैं, हैं ग्रहण करने पर क्या होता है, वो संत भगवान का नाम को ग्रहण कैसे किया? ऐसे नहीं, वो भी किसी गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, किसी गुरु परंपरा से उन्होंने भी प्राप्त किया। जैसे नारद जी किससे प्राप्त किया? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी किससे प्राप्त किया? ठाकुर जी से, भगवान से प्राप्त किया। इसलिए वो जो भगवान से जो प्राप्त किया है, इसलिए उसमें शक्ति, भगवान की शक्ति उसमें है, ठाकुर जी की उसमें शक्ति। इसलिए गुरु परंपरा से जो प्राप्त भगवान का नाम है वो जब हृदय में, क्यों? उन्होंने जो भजन किया, भजन करते 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 एक दिन जो नाम है वो साक्षात नाम ही बन करके प्रकट होता है, ठाकुर रूप में दर्शन देता है। दर्शन देने पर वो जो नाम है उसमें विशेष शक्ति है। जब वो नाम को हम ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय निरस होने पर भी ये हृदय में वो सरसता प्रदान कर देती है, क्या? भगवान का नाम। इसलिए
यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं ये नाम को गुरु परंपरा से ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और एक बात है, कहते युग चार युग है, कितना युग है? चार युग है। अगर आपको कोई बोलेगा ना क्यों हम ये नाम नहीं कर सकते, हम ये नाम करेंगे, हम ये हरे कृष्ण नाम क्यों करेंगे, हैं हम हरे कृष्ण नाम क्यों करेंगे, हम तो ये नाम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए, बोले नहीं, कहते ये बृहद नारद पुराण में, भविष्य पुराण में, अनंत संहिता, अलग अलग ग्रंथ में उनने चार युग का चार मंत्र बताया। हमको कोई अपना मनमान से कोई मंत्र नहीं करने, ऑलरेडी पहले बता चुका है। देखो ये चीज को अच्छे तरह से ना जैसे लिख करके रखो, अगर कहीं कथा करना हो वहां पर आप शास्त्र विचार को साथ में वहां बता सकते हो। इसलिए ये चीज को नोट करके रखो, है। इसलिए अभी हम ये कलयुग में ये हरे कृष्ण नाम क्यों जप करेंगे, और भी तो भगवान के बहुत से नाम है ना, हम और कोई नाम करेंगे। ये चीज अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो और लिख सकते हो अच्छे तरह से लिख लो, क्योंकि उसको जब किसी को साथ में तुम्हारे शास्त्र अर्थ होगा तुम प्रमाण दे सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है। इसलिए धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, बोले शास्त्र किसने प्रणीत किया, बोले स्वयं व्यास देव। बोले व्यास देव कौन है, बोले व्यास नारायण स्वयं। आज सवेरे सुन रहे थे ना, हाँ सवेरे श्रवण कर रहे थे, भगवान के अंश से ही ये व्यास देव आविर्भूत हो गए, भगवान की ये सत्यावेश अवतार श्री व्यास देव नारायण स्वयं है, हैं। इसलिए इन्होंने सारे ग्रंथों को इन्होंने ही जीव कल्याण के लिए इन्होंने बताए। इसलिए कहते, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये अनंत संहिता की कथा, ये अनंत कौन सा ग्रंथ में बताया, अनंत संहिता में बताया। क्या बताए, बोले सत्य युग में जो लोग थे कौन सा मंत्र को जप करते थे, बोला जोर से बोला, हाँ देखो ये लिखती है ना इसलिए इसको याद है, हाँ इसलिए जो लिखेगा उसको भी याद हो जाएगा। इसलिए ये था सत्यजू का ये मंत्र है, सत्यजू का लोग ये मंत्र जप करके संसार से पार होते थे। पहले तृतीया युग आया, बोले तृतीया युग का महामंत्र क्या है, कौन बोलेगा, बोलो कौन बोलेगा जोर से बोलो, राम नारायण अनंत मुकुंद केशव कंसेर हरे वैकुंठ मामना। हाँ कहती ये जो मंत्र है, हाँ कहती ये जो मंत्र है ये तृतीया युग का लोग ये मंत्र को जप करते थे। कौन सा मंत्र, राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारी हरे वैकुंठ वामन, ये तृतीया युग का लोग जप करते थे। फिर द्वापर युग आया, कहते द्वापर युग का लोग कौन सा मंत्र जप करते थे, जोर से बोलो, हरे मुरारी मधु कैटव हरे गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय नाम जगदीश रक्ष। हाँ देखो कल इतना ही काम करना, ये चार युग का जो महामंत्र है ना, अगर हो सके तो कोशिश करना उसको थोड़ी सी याद करने के लिए। अब लोग कोशिश करना सत्य युग में, देखो जैसे बूंद बूंद में ना घड़ा भरती है, एक साथ में घड़ा नहीं भरती है। अगर दिन में एक एक बात को अगर याद करोगे बस आप देखोगे ना विद्वान बन जाओगे, सबके सब बड़े बड़े पंडित बन जाओगे। इसलिए कोशिश करना कल अगर हो सके तो चार युग का जो चार महामंत्र है उसको याद करने के लिए, इसको अपना नोटबुक में इसको लिख करके, अगर बोल भी नहीं पाओगे कम से कम नोटबुक में लिख करके ले करके आना। इसको बाद में तुम लोग जो लोग के पास में कापी पेन ले, बाद में लेकर के, जो बच्चे लोग हैं, बड़े बूढ़ों को याद नहीं बताएंगे, इसलिए जो जो बच्चे हैं बच्चे लोग याद करने के लिए कोशिश करना, बड़े बूढ़ों के लिए आप लोग सुनते रहो, ठीक है ना। इसलिए आप जो बच्चे लोग हैं आप लोग कोशिश करना, ठीक है ना। इसलिए चार युग का चार मंत्र क्या किया है कल इतना मेरे को बताना, कोशिश करना इतना बताने के लिए। अगर याद हो सके तो अच्छी बात है, याद नहीं होगा तो तब भी कागज में लिख करके मेरे को बताना हमने ये चीज को लिखा, ठीक है। कहते ये द्वापर युग का हो गया, द्वापर युग कौन सा हो गया, द्वापर युग कौन, हरे मुरारी मधुकैटभ हरे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश, ये हो गया द्वापर युग का। बोले सत्य युग का महामंत्र कौन सा, जोर से बोलो, राम सत्य युग का, कलि युग का बताओ,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सा युग का? ये कलयुग का महामंत्र। अभी फिर उसमें और भी कोई कोई लोग अलग अलग प्रश्न करते, देखो ये प्रश्न भी सुन लो, उसका उत्तर भी सुन लो अच्छे तरह से। कुछ कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग कहते आप लोग ये हरे कृष्णा पहले क्यों करते हो? कृष्ण कब आए? कृष्ण कब आए थे? द्वापर युग में। और भगवान राम कौन सा युग में आए? त्रेता युग में। जब राम त्रेता युग में आए तो पहले राम का नाम होना चाहिए ना, उसके बाद में कृष्ण का नाम होनी चाहिए। लेकिन आप लोग तो पहले कृष्ण से ही नाम करते हो, पहले तो हरे राम से शुरू करनी चाहिए। इसलिए कुछ कुछ लोग है जिसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ लोग ऐसे करते हैं। क्यों? ये लोग सोचते हैं रामचंद्र तृतीया में, कृष्ण द्वापर में आए, इसलिए पहले राम से होनी चाहिए। कहते ऐसे नहीं, क्योंकि जो महामंत्र में इसमें भगवान राम का नाम है ही नहीं, इसने भगवान राम का नाम नहीं है। क्योंकि जैसे जो राम को उपासना करते हैं रामानंदी संप्रदाय के लोग, राम की उपासना, रामानंदी एक संप्रदाय है जिसमें सीता राम की उपासना करते हैं, वो लोग कभी भी ये मंत्र को नहीं बोलते। उनका जो गुरु परंपरा में जैसे गुरुदेव कान में मंत्र देते हैं, उनकी संप्रदाय में ये नाम उनको नहीं देते हैं। कारण जो इष्ट है वो कभी दो इष्ट नहीं होते हैं, इष्ट एक होता है। जैसे हनुमत लाल, उनका इष्ट कौन है? राम है। और जैसे गोपियाँ, उनका इष्ट कौन है? कृष्ण है। तुलसीदास का इष्ट कौन है? राम है। और मीरा की इष्ट कौन है? कृष्ण है। सूरदास का इष्ट कौन है? कृष्ण है, हैं? इसलिए इष्ट कभी दो कभी इष्ट नहीं होते हैं, इष्ट हर समय एक ही होते हैं। ये चीज़ को समझो, इष्ट एक होते हैं। इसलिए जैसे हरे कृष्ण, हरे मतलब क्या हो गया? राधा रानी। इसका मूल अक्षर हरा, और उस संबोधन में हो जाते हैं हरे, जो कृष्ण का मन को चित्त को जो आकर्षण करती है हरे, और कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर उसको बाद में हरे राम आती है। हरे शब्द तो हो गया राधा जी का नाम, फिर राधा जी को साथ में राम थोड़ी रहते हैं, राधा जी को साथ में कौन रहते हैं? श्याम रहते हैं, राधा जी को साथ में श्याम रहते हैं। इसलिए जो महामंत्र में जो राम शब्द है, ये राम शब्द किसके लिए बताया? ये राम शब्द श्री कृष्ण के लिए बताया, ये राम शब्द भगवान राम के लिए नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए ये उनके लिए नहीं है। फिर उसमें और एक बात आती है, भले आपने कहाँ से ये मिला पहले? हरे कृष्ण से आप कहाँ से बता रहे हो? तब यहाँ पर शास्त्र से उदाहरण देकर कह रहे हैं, कि अनंत संहिता में कलि संतरण उपनिषद है, वहाँ पर बताया गया है, हैं? इसलिए कहते ये ब्रह्मा, ये परंपरा को अंदर में ये नाम है, कहते हैं इसमें कहते ब्रह्म जामल, और एक उपनिषद है जिसका नाम कहते ब्रह्म जामल ग्रंथ है। कहते ये शंकर जी ये पार्वती को ये बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? श्री शंकर जी ये पार्वती को ब्रह्म जामल उपनिषद में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले हरे कृष्ण पद द्वयम, यहाँ पर संस्कृत हरे कृष्ण पद द्वयम, मतलब दो बार ये हरे कृष्णा कहते हैं ना, हरे कृष्णा इस श्लोक है। पद द्वयम कृष्णति च पद द्वयम, कहते ना हरे कृष्णा, उसके बाद में कृष्णा कृष्णा, दो बार कृष्णा कृष्णा ये श्लोक कहते हैं। ते कृष्णति इति पद द्वयम, उसके बाद में क्या कहते हैं? तथा हरे पद द्वयम, उसके बाद में हरे 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 हैं, हरे कृष्ण हरे पद द्वयम, उसके बाद में हरे नाम द्वयम बदे, उसके बाद में फिर हरे हरे कहते हैं हरे हरे, फिर उसके बाद में हरे हरे तत्व ब्रुआ, उसको दूसरा लाने में क्या कहते हैं?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। कहते हरे हरे तत्व ब्रूयात हरि नाम समुद्धयेत महामंत्र कृष्णस्य पर सर्व प्रणाम शतकम्। कहते ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये क्या करता है, हमारे सारे पाप को ये दूर कर देता है। ये शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं पहले क्या बोलनी चाहिए उसको बाद में क्या बोलनी चाहिए। कि दूसरे हैं श्लोक में फिर शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती बोले इति षोडशक नामनम, ये जो श्लोक है लिख लो, इति षोडशक नामनम कली कलमस नाशनम। ये जो सोलह नाम बत्तीस अक्षर, उसमें सोलह नाम है और बत्तीस अक्षर है। ये सोलह नाम जो बत्तीस अक्षर है, कहते कली कलमस नाशनम, कलियुग का जो पाप को यही नाम ही दूर करने वाले। बोले ना तो पर तो उपाय, अगर इसको छोड़ करके अगर कोई दूसरा उपाय ग्रहण करे, ना तो पर तो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेद में यही बात बताई कि जो सोलह नाम जो बत्तीस अक्षर है इसी मंत्र के द्वारा ही जीव का कल्याण होगा, कलियुग का सारे पाप इसी में ही नष्ट होगा। और एक ग्रंथ जिसका नाम राधा तंत्र, ये राधा तंत्र में क्या बताया, यहाँ पहले श्रीणु मातर महामाये विश्व विजय स्वरूपिणी हरि नाम महामाये क्रम बंध सुरेत हरि। कहते जो यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती को कह रहे हैं, बोले श्रीणु मातर महामाये, हे महामाये पार्वती इसको श्रवण करो, हैं जो विश्व बीज स्वरूपिणी, जो भगवान जिनको पर दृष्टि करने पर विश्व को जो सृष्टि करने वाले, कहते हरि नाम महामंत्र का कैसे उसको जप करनी चाहिए, ये मंत्र को कैसे जप करनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं क्या, बोले ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं बोले नहीं, पहले तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण करनी चाहिए। बोले कहाँ पर है आपको, कहते हैं कि गोरखपुर प्रेस, गोरखपुर नाम सुने होंगे, वहाँ पर गोरखपुर वहाँ प्रेस अक्सर करके जो ग्रंथ है बहुत सारे ग्रंथ वहीं से छपवाते हैं। बोले ये गोरखपुर प्रेस से निकला है, हैं कहते वहाँ से, कहते नहीं, उन लोगों ने क्या किया परवर्ती समय में अपना मनमानी ढंग से उन लोगों ने ग्रंथों को, बोले राम तो त्रेता युग में आए अतः राम का नाम कृष्ण होगा, लेकिन एक ग्रंथागार कहाँ पर, कहते जयपुर, ये सबसे पुराना है, ये सबसे बहुत सबसे अगर पुराना ग्रंथ कहाँ पर स्टक है, ये जयपुर लाइब्रेरी में। इसलिए प्रभुपाद का समय पर हैं उसी समय में हमारे प्रभुपाद अपना शिष्यों को इसी विषय को लेकर बहुत जो बात वितंडा निकली, तब प्रभुपाद अपना शिष्यों को जयपुर का जो सबसे पुराना ग्रंथगार वहीं पर उन्होंने भेजे, बोले वहाँ से ग्रंथों को निकालो, वहाँ से ग्रंथों को निकालो। लेकिन जब वहाँ से ग्रंथों को निकाले तब उन्होंने देखा नहीं, पहले ये हरे राम से नाम नहीं, पहले हरे कृष्ण से है। लेकिन परवर्ती समय में कुछ सांप्रदायिक लोग जो राम को उपासना करने वाले, कहते उन लोगों ने पहले उन्होंने कहा नहीं राम तत्व, क्यों राम का नाम है ना, लेकिन उसमें जो राम जो नाम है वो कृष्ण के लिए ही वो राम है, राधा रमयती राम, राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते हैं इसलिए उनका नाम राम है, हैं उनका नाम ये राम नाम है। इसलिए वहां से उन्होंने निकाल करके ये ग्रंथ को वहां पर स्थापन किया, बोले देखो इसी ग्रंथ में प्रभुपाद का समय पर। इसलिए वहां पर यहाँ पर बताए, बोले राधा तंत्र त्रिपुरा देवी भी उन्होंने बताए, बोले हरि नाम ना बिना पुत्र दीक्षा च निष्फलम भवेत गुरुदेवात मुखात श्रुत्वा हरि नाम पराक्षरम। कहते हरि नाम को कैसे ग्रहण करनी चाहिए, बोले गुरु जी की मुंह से ही हरि नाम को श्रवण करनी चाहिए, और हरि नाम के बगैर जीव का कोई कल्याण नहीं, कल्याण केवल जीव की हरि नाम से ही कल्याण होगा। इसलिए कहते से वेद व्यास ने हैं कहते अनंत संहिता में भी वहां पर भी ये है, और सनत कुमार संहिता एक ग्रंथ है सनत कुमार संहिता, वहां पर श्लोक क्या देखो, बोले हरे कृष्णम दुरावृतम
कृष्ण तादृशी तथा हरे, हरे राम तथा राम तथा ताद्रिक, पुनः पुनः कहते ये सनंत कुमार संहिता की ये श्लोक है, पहले ये हरे कृष्ण से ही वहाँ पर बताया गया। इसलिए यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी एक ग्रंथ निकाले हमारे भक्तिवृंद से नारायण गोस्वामी महाराज महामंत्र हरिनाम महामंत्र, वहाँ उन्होंने बहुत सारी जगहों से उन्होंने श्लोकों को निकाल करके उन्होंने बहुत कुछ प्रमाण उन्होंने दे करके बताए कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही नाम शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, इष्ट एक ही होते हैं। ये कभी रामानंदी संप्रदाय में ये कभी ये मंत्र नहीं देते हैं, ये मंत्र आप देखो केवल हमारी गौड़ीय वैष्णव में भी है, और किसी संप्रदाय का लोग ये मंत्र को गुरु जी से ग्रहण किसको नहीं मिलता है, किससे मिलता है, महाप्रभु की धारा में गौड़ीय संप्रदाय में। इसलिए इसी मंत्र को श्री ईश्वरपुरी पाद माधवेंद्रपुरी से प्राप्त हुआ, उसको पहले जो गुरु परंपरा थी हैं वो उनको गुरु जी से फिर विशेष करके जब चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु ने क्या बोले, बोले पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी की गली गलियों में हैं, पृथ्वी में केवल भारत में नहीं पृथ्वी में सारा पृथ्वी में एक दिन ऐसा आएगा कि जो हरे कृष्ण महामंत्र कलिजू का ये सर्वत्र प्रचार होगा, और सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जो हरे कृष्ण महामंत्र कहते ये महाप्रभु को साथ में क्या संबंध है, तो यहाँ पर श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत से बहुत जगह से उद्धृत किया है। देखो महाप्रभु क्या क्या बोले, महाप्रभु बोले आपने सवारे प्रभु करे उपदेश, महाप्रभु सब भक्तों को बैठा करके सबको उपदेश कर रहे हैं, बोले क्या है, बोले कृष्ण नाम महामंत्र सुना हरि से, तुम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को बड़े प्रेम पूर्वक हरिनाम महामंत्र को सुना। बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, महाप्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को ये मंत्र में राजा, जगत में जितने मंत्र हैं उसमें राजा है, जैसे देखो राजा क्यों, जैसे आप लोगों ने सुना ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बताओ इसमें एक ओम आ गया, नम आ गया, भगवते आ गया, वासुदेवाय, ओम नम भगवते वासु, इसमें कितना नाम आया होता, एक नाम आया, पूरा मंत्र बोले एक नाम आया, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र श्री कृष्ण शरणम एक मंत्र है, उसमें कितना बार नाम आया, एक बार आया। इसलिए देखोगे दूसरे दूसरे में केवल नाम, पूरा मंत्र लेकिन एक बार नाम आएगा, लेकिन इसमें कितना बार नाम आया होता, 16 बार नाम आ गया, भगवान का नाम को छोड़कर और कुछ में कुछ है ही नहीं, और कल्याण किसमें है, प्रभु का नाम से, प्रभु की नाम से ही जिनका कल्याण, इसलिए इसमें केवल हरे कृष्ण और कुछ है ही नहीं, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल प्रभु का नाम ही और कुछ नहीं, इसलिए उसको क्या बताया, ये महामंत्र, इसलिए महाप्रभु बोले ये हरिनाम करना, इससे क्या होगा तुमको सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे हरिनाम से सब कुछ तुमको मिलेगा हरिनाम, इसलिए नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो चिंता करोगे वही नाम से सब कुछ वहीं से मिलेगा। एक समय एक साधु कह रहे थे देखना इसी युग में एक एक व्यक्ति का देखो इतने, जैसे टाटा बिरला अंबानी कंपनी उनके पास में इतने पैसा उनको पता नहीं कहाँ कितना पैसा, उनको पता है कितना भेजा, कोई बोल रहे थे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, उनने पूर्व जन्म में क्या इतना दान पुण्य किया था जो इतना पैसा मिल जाएगा, जगत में दान पुण्य कर कितना दान जो पूर्व जन्म में जो किया होगा ना बैंक बैलेंस होगा तभी तो मिलेगा ना, क्या उन्होंने पूर्व जन्म में इतना काम किया था इतना पैसा मिल गया, बोले नहीं पूर्व जन्म में उन्होंने हरिनाम किया, लेकिन जो हरिनाम किया है ना शुद्ध रूप में नहीं किया, उन्होंने केवल कामना वासना ठाकुर जी इसलिए हरिनाम कर रहे हमें रुपया पैसा मिल जाए रुपया पैसा मिल जाए रुपया पैसा मिल जाए, हाँ हाँ इसलिए हमें रुपया पैसा मिल जाए, नाम तो चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगोगे वही देगा,
भगवान बोले पैसा पैसा है ले, इतना पैसा दूंगा जो कि तू रख नहीं पाओगे, ले कितना पैसा लोगे ले ले। लेकिन नाम को शुद्ध रूप में हरिनाम करते तो उनको ये पैसा नहीं मिलता। क्या मिलता? ठाकुर जी के चरण में स्थान, ठाकुर को वृंदावन में, ठाकुर का सेवा, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवान की सेवानंद में डूबे रहते हैं। लेकिन उनने भगवान के नाम तो जप किया, लेकिन हरे हरे कृष्ण कृष्ण कितने 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 हरे हरे, हरे हरे कितने 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 इसलिए हरा हरे पैसा कहते ना हरा हरा, इसलिए उन्होंने प्रभु का नाम तो जप किया लेकिन पैसा के लिए किया। बोले ले भगवान के नाम से जो माँ, इसलिए कहते पूर्व जन्म में हरिनाम तो किया लेकिन हरिनाम कामना वासना से किया। हरिनाम कभी बर्बाद नहीं जाएगा, वो कुछ दे करके छोड़ेगा है, जरूर कुछ देगा, जरूर वो कुछ तुमको देगा। इसलिए कहती है हरिनाम से, लेकिन असली चीज क्या? भगवान की प्रेम, भगवत दर्शन, उनकी सेवा अगर मिल गया ना, फिर तो समझो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्ति और भगवान की चरण सेवा और आनंद ही आनंद है। लेकिन इस जगत का जितने पैसा होगा ना, देखो ना जितने समस्या, आप तो रात को चैन से सो जाते होंगे, लेकिन जिसको पास में ज़्यादा पैसा उसको नींद आती है, वो लास्ट में ऐसे उनको दवा खाना पड़ता है, उसमें नींद नहीं आती, तभी जा करके एक जहरीले सर्प होता है उसको खोल कर कटवाते हैं, सांप काटता है उसको, इतने जहर होता है, फिर जा करके रात में सोते हैं, उनको नींद नहीं आती क्योंकि इतने टेंशन इतने टेंशन। एक समय क्या हुआ, हमारे जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे ना, उसी समय में जब उनको कुछ ने एक रुपया दिया तो उनने दूसरे दिन वो एक रुपया लेकर वापस दिया। बोले भैया ये पैसा तू ले ले, क्योंकि इसका इतना गरीबी रात भर नींद नहीं आई कहते रात भर मेरे को नींद नहीं आई, रात भर ये सोने मेरे को नहीं दिया। लेकिन उस समय एक रुपया का कीमत था ना, एक रुपया की कीमत था। बोले तेरे पास इतने पैसा तो नींद की जाती है हाँ। और एक कोई एक संत थे वो जूता सिलाई करता था, लेकिन मस्ती से ना भगवान की भजन करता था, कोई चिंता नहीं, मस्ती से प्रभु का भजन नाम में डूबा रहता था। एक कोई एक जमींदार था, उसने उसको देख करके तो दंग रह गया। बोले भैया मेरे को तो चिंता में रात में नींद नहीं आती, लेकिन ये तो कोई चिंता ही नहीं, रात भर तो बड़े मस्ती से प्रभु का भजन करता है, इसका कोई चिंता ही नहीं। उसने क्या किया, एक पैसा की पोटली ला करके उनको सामने दे दिया। बोले भैया ये पैसा तू ले ले, ये पैसा को तू ले ले। अभी तक तो उसको कोई चिंता नहीं था ना, मस्ती से भजन करता था, लेकिन जब से उसको पैसा देकर गया ना, उसको मस्ती खत्म मस्ती खत्म। क्यों? ये पैसा कोई नहीं ले जाए, ये पैसा कहाँ पर रखे, ये पैसा कोई नहीं ले जाए, इतनी चिंता में उसने डूब गया। उसका मुंह से जो हरिनाम प्रभु का नाम ले रहा था वो नाम खत्म हो गया, उसको नाम भूल गया भजन करने। दूसरे दिन वो पैसा ला कर, भैया तू ही पैसा तू ले ले, जब से दिया तब से मेरे को तो प्रभु का नाम ही नहीं ले पाए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु का भक्ति से क्या प्राप्त, क्या मांगो ठाकुर को, प्रभु की भक्ति प्रेम मांगो। अगर प्रेम धन अगर मिल गया, प्रभु का भक्ति धन, जैसे हनुमान जी को है, क्या धन हनुमान को प्राप्त है, प्रभु का नाम धन इनको प्राप्त है। इसलिए प्रभु का नाम से नाम में डूबे रहते हैं। अब बताओ हनुमान हमें क्या नहीं देता है, रिद्धि सिद्धि वैभव, जो मांगते हैं हनुमान दे देते हैं। कहाँ से लाते, कोई फैक्ट्री लगाया क्या, कोई फैक्ट्री हनुमान जी की नहीं, हाँ उनका फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री? ठाकुर जी की नाम की फैक्ट्री लगाया, ठाकुर जी की नाम की फैक्ट्री लगाया। इसलिए प्रभु, इसलिए महाप्रभु कहते जो नाम है ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो चिंता करोगे तुमको वही दे देगा, वही दे देगा प्रभु का नाम है। लेकिन अभी हमें क्यों नहीं मिल रहा है, कारण है कहते जेरूप लाइले नाम प्रेम उपजय, जैसे नाम लेनी चाहिए अभी हम ऐसे नाम को नहीं ले रहे, इसलिए नाम हमें प्रेम नहीं देता है। शंकर जी क्या करते हैं, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, त्रिपुरारी दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। गणेश जी क्या करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं। जितने सारे देवा देवी देखोगे, ब्रह्मा का चार्य आत्ममाला, शंकर जी की देखोगे, पार्वती के 8 हाथ में एक माला और सरस्वती के 1 हाथ में माला, देखना सबके सब ठाकुर जी की नाम जप करते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये प्रभु का नाम जप करो, इसे सही शांति सुख और जो कुछ हरिनाम से, तुम्हें सब कुछ हरिनाम से मिल जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं खाई थे सुई थे जथा तथा नाम ले, कैसे करनी चाहिए, खाते समय, सोते समय,
हाथ में झाड़ू लगा रहे हो, घर की झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर जी के मंदिर में। ये रसोई बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी को। बच्चे को थपथप लगा करके सुला रहे हो, क्या सोच करके, ठाकुर ने बच्चे दिया, ठाकुर का बच्चे है। जैसे गोपियां थपथप लगा करके सुलाते हैं, अरे मुंह में गोविंद दामो दरमाद, प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, जथा रात्रि दिन नाम लय खाईते सुईते तहार महिमा वेदन नहीं पार दीते। जो व्यक्ति खाते सोते हर समय प्रभु का नाम लेता है, वेद पुराण भी उसका महिमा को गा नहीं सकते। इतने नाम की महिमा है। सुन मिश्र कलि युगे नहीं तप यज्ञ। एक जो ब्राह्मण था, उनने सबको प्रश्न किया, जीव का क्या कर्तव्य है, क्या साधन और लक्ष्य क्या है, बहुत को प्रश्न किया, लेकिन सही सही कोई उत्तर नहीं दे पाए। जो महाप्रभु से प्रश्न किया, महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले सुन विप्र कलि युगे नहीं जप तप। कलि युग में और कोई धर्म नहीं, यज्ञ नहीं। बोले जय जनक भज कृष्ण तार महाभाग्य। जो व्यक्ति कलि युग में भगवान का नाम को लेते हैं, बड़े भाग्यवान है, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति। अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भज गया, अपना घर में जाओ और भगवान का नाम को जप करो। कुटिनाटी परिहारी एकांत हैया, सारे कपट का छोड़ करके भगवान के नाम जप करो। प्रभु का नाम जप से ही साध्य साधन तत्व जगजु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिले सकल। जीवन में साध्य और साधन, हमारा लक्ष्य किया और साधन किया, ये हरि नाम जप करते करते तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए महाप्रभु उन्होंने इसी हरि कृष्ण महामंत्र को ही जगत में प्रदान किया है। कहते हरि नाम अगर हेला में, हाँ, अगर प्रभु का नाम मुक्ति मिल जाएगी और शुद्ध रूप में नाम करेगा तो बस कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए जीवन में, सब कुछ ठाकुर को सेवा मान कर करो, और हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम, बस हो गया। और क्या इससे सरल कुछ हो सकता है। इसलिए सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। हाँ, मेरे पीछे पीछे सब कैसे बोलो, तुम भजन गाओगे। हाँ, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे चिराग प्रभु। एक सुंदर भजन आपको सुनाएं, सुना। कीर्ति विश्व भानु की दुलारी Thank you.
हरि हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री गुरु।